नमस्कार दोस्तों, आज एक नए वीडियो के साथ हम फिर आपके सामने हाजिर हैं। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जैसे मान लीजिए गांव में हर किसान के घर में जो है खाना बनाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती है और खेती करने के लिए खाद की ज़रूरत पड़ती है, और ये सारी ज़रूरतें बेसिक ज़रूरतें हैं जो किसान जो है अपने घर में जो पशु पालता है वो पशु जो गोबर करते हैं उस गोबर से पूरी करता है। गोबर से किसान अपने खेतों के लिए खाद भी बनाता है जिसको हम लोग कंपोस्ट खाद कहते हैं, जो कि दुनिया की सबसे अच्छी खाद है क्योंकि उसमें कोई केमिकल नहीं होता है और वो कोई साइड इफ़ेक्ट जो है नहीं देता है। तो दोस्तों हम आज और ये सारी चीज़ें जो है गोबर से ही बनती हैं, गोबर से खाद बनती है, गोबर से किसान खाना बनाने के लिए ईंधन बनाता है। ईंधन में दो तरह के ईंधन किसान उपयोग करता है, एक तो उपली बना के जिसको गांव में उपली या गोबर का कंडी भी कहते हैं, और एक दूसरा ईंधन की तरफ उसका उपयोग गोबर का होता है जिसे गोबर गैस कहते हैं। गैस गोबर को सड़ा के गैस बनती है जिससे किसान जो है खाना बनाने में उपयोग करता है। दोस्तों अभी जो वीडियो में आपको दिखाई दे रहा है एक बहुत हरा भरा बगीचा है जिसमें तरह तरह के पेड़ हैं। आप देख रहे हैं आम का पेड़ और ये बेल का पेड़, ये और भी कई तरह के पेड़ हैं। ये बहुत बड़ा बगीचा है गांव का जिसमें गांव के लोग उपली बनाते हैं गोबर से, गाय भैंस के पशुओं के गोबर से उपली बनाते हैं। और अब हम भी आपको बगीचे के अंदर लेके चलेंगे, आपको देखेंगे, खुद आप देखेंगे कि गांव के लोग गोबर से कैसे उपली बनाते हैं और उसका उपयोग उसको सुखा कर उसका उपयोग कैसे ईंधन के रूप में किया जाता है। आप जब अंदर देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये बगीचा नहीं, ये तो गाय या भैंस पशु के गोबर से उपली बनाने का एक कारखाना है। तो दोस्तों आप ये देख रहे होंगे कि दूर दूर तक जो है पशुओं के गोबर से उपले बनाए गए हैं, उपले या आप कंडी जो भी कह लीजिए, और सब अपने अपने उपलियों को इकट्ठा करके कैसे बारिश से बचाने के लिए उसके ऊपर कुछ ना कुछ रखा गया है, आप देख रहे हैं। तो आइए आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि गोबर से उपली कैसे बनाया जाता है। यहाँ आप देख रहे होंगे ये जो है ये गोबर इकट्ठा किया गया है, पशु जो गोबर करता है उसको लाके बगीचे में लोग इसको रख देते हैं, फिर उसको पानी या उसमें कुछ खरपतवार मिला के पेस्ट सा बना लेते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये पेस्ट तैयार है, और पेस्ट फिर उपरी बनाने के लिए छोटे छोटे टुकड़ों में गाय का गोबर ऐसे बना के इकट्ठा कर लिया जाता है। आप ये देखिए इस तरह से गोबर के छोटे छोटे टुकड़े बना लिए गए हैं, और फिर अब इसको पटक के जो है से हाथ से पीट के इसको ऊपर का जो है आकार दिया जाता है। अभी आप देखिए ये जो टुकड़ा है उससे ऊपरी कैसे बन रहा है, आप देख लीजिएगा ये बना रही हैं इस तरह से। गोबर के टुकड़े को पीटेंगे फिर उसको हाथ से ऐसे खड़ा कर देते हैं। ये देखिए ये शायद एक दो दिन पहले का बना हुआ है, थोड़ा सूख गया है, और ये देखिएगा ये अभी अभी ताज़ा बनाया गया है। इसी तरह से एक एक करके ये जो गोले बने हुए हैं गोबर के उसको हाथ से पीट के फिर पतला कर देते हैं ताकि इसको सूख जाए, नहीं तो मोटा रहेगा तो सूखेगा नहीं, फिर उसको ऐसे खड़ा कर देते हैं। तो ये देख रहे हैं आप इसी तरह से उपली बनाई जाती है, और गांव के गोबर का इस्तेमाल किया जाता है गाँव में। तो दोस्तों जब पशुओं के गोबर का नाम आता है तो ऐसा लगता है ये तो वेस्ट चीज़ है, इसका कोई उपयोग नहीं है, लेकिन आप देख रहे हैं इसका उपयोग ही नहीं, इसके बहुत बहुत अच्छे अच्छे उपयोग हैं। किसान जो है गांव के पशुओं के गोबर को इकट्ठा करके उससे उपरी बनाता है जिसको ईंधन के रूप में इस्तेमाल करता है, या हम ये कह सकते हैं कि गाँव के लोग जो है ईंधन के लिए पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो जाते हैं। सब लोग अपने अपने पशु रखते हैं, अपने अपने पशुओं का गोबर इकट्ठा करते हैं, उससे उपरियां बनाते हैं, उसको सुखा लेते हैं, सुखा के इकट्ठा कर लेते हैं, और फिर उसको अपने घर में रख लेते हैं, और साल भर तक जो है बारिश के दिनों में जब ईंधन की कमी होने लगती है उस समय लोग
इन्हीं ऊपरियों से अपना भोजन बनाते हैं, और उस समय भी उन किसानों को जो है ईंधन की कमी नहीं होती है, और इसको बनाने के लिए कितनी मेहनत भी करनी पड़ती है। देखिए ठंडी का महीना है, ठंड बहुत है, लेकिन अब गोबर को पात करके ऊपरी जो है बनाई जा रही है। तो दोस्तों जब ऊपरी जो है ऐसे बना कर रख दिया जाता है 2-4 दिन 10 दिन, और जब वो थोड़ा सूख जाता है, तो सूख जाने के बाद वहाँ से ऊपरी को उठा के जो है एक जगह ढेर लगा दिया जाता है। जैसे आप देख रहे हैं ये ढेर लगा हुआ है, इसी तरह से आप कई सारे ढेर देख रहे होंगे बने हुए हैं दूर दूर तक। तो ये जो ढेर बने हुए हैं ये सबका अपना अपना ढेर है, ये किसी एक ही किसान का नहीं है, सबका अपना अपना ढेर है। और जब ऊपरी को इकट्ठा करके इस तरह से बना दिया जाता है तो इसको बोलते हैं उपड़ौर, मतलब ऊपरियों का ढेर, उसको उपड़ौर बोला जाता है। इस तरह से रखते हैं लोग, और जब ये पूरा हो जाता है, इसको यहीं पर रखे रहते हैं, धीरे धीरे और भी सूख जाता है। जब पूरी तरह से सूख जाता है तो इसको फिर किसान जो है अपने घर में ले जाकर रख लेते हैं, और बारिश के दिनों में और उसके बाद भी ये ऊपरियाँ जो है खाना बनाने के लिए ईंधन के रूप में इस्तेमाल होती हैं। इन ऊपरियों का और भी बहुत सारा उपयोग है, जैसे ठंडी के दिनों में इसको जला के लोग आग सेकते हैं, ठंडी से बचाने का भी काम करता है ये ऊपरी। और जब कभी गांव में एक बहुत ही स्पेशल व्यंजन है, स्पेशल भोजन है, जिसको बाटी चोखा बोला जाता है, और बाटी और चोखा बनाने के लिए भी इन्हीं ऊपरियों का इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि गैस पर खाना बनता है तो वहाँ पे बाटी नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि बाटी गोल गोल होती है और उसको पकाने के लिए गैस पर संभव नहीं होता है। तो इन्हीं ऊपरियों को इस्तेमाल करके किसान जो है बाटी चोखा भी बनाता है, जो गांव में बहुत ही स्पेशल व्यंजन, स्पेशल भोजन है, बहुत पसंद से लोग उसको खाते हैं। वहाँ भी इन्हीं ऊपरियों का इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसा मैंने कहा था कि अब जब आप बगीचे के अंदर जाएंगे तो आपको लगेगा कि जैसे ये बगीचा ना हो, ये ऊपरी बनाने का, पशुओं के गोबर से ऊपरी बनाने का कारखाना सा है। तो देख सकते हैं दोस्तों कितने सारे उपड़ौर लगे हुए हैं, कितनी सारी ऊपरियाँ बना कर रखी गई हैं सूखने के लिए यहाँ से वहाँ तक। पूरा गांव लगभग इन ऊपरियों को बना कर इनसे भोजन जो है बनाता है। तो इस तरह से पशुओं के गोबर को इस्तेमाल करके लोग ईंधन के लिए जो है आत्मनिर्भर हो जाते हैं, ईंधन के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो दोस्तों हमने आपको अभी दिखाया कि गांव के लोग पशुओं के गोबर से उपलियां बनाते हैं, कंपोस्ट खाद बनाते हैं, और भी ये तरीका है गांव के गोबर का इस्तेमाल गांव में करने का, जिसको हम लोग गोबर गैस बोलते हैं। हमारे गांव में गोबर गैस नहीं है तो हम आपको उसको दिखाते। उसमें क्या किया जाता है, गड्ढा रहता है जिसमें गोबर को डाल दिया जाता है, गोबर सड़ता है, सड़ने के बाद उसमें से गैस निकलती है, और उस गैस को पाइपलाइन के द्वारा जैसे गैस का चूल्हा होता है उसी चूल्हे से कनेक्ट कर देते हैं, और फिर जो है उस गैस का इस्तेमाल खाना बनाने के लिए भी लोग करते हैं, जिसको बोला जाता है गोबर गैस। तो दोस्तों ये जो बगीचा आप देख रहे हैं, ये इतना खूबसूरत बड़ा बड़ा पेड़ वाला बगीचा, बड़े बड़े वृक्षों वाला बगीचा, इसी बगीचे के अंदर अभी हम आपको जो है ऊपरियाँ जो गांव के लोग कैसे बनाते हैं, उसको सुखा के कैसे रखते हैं, ये हमने आपको दिखाया। और अब गांव में किसान पशुओं के गोबर से और भी बहुत सारे उपयोग करते हैं, उसमें से दूसरा उपयोग हमने आपको बताया कि गोबर की खाद बनाई जाती है, जिसे कंपोस्ट खाद कहते हैं। तो अब हम आपको वहाँ पे लेके चलेंगे जहाँ पे किसान जो है गोबर इकट्ठा करता है, और फिर वहाँ से उस गोबर को सड़ जाने के बाद जब खाद बन जाती है, कंपोस्ट खाद बन जाती है, तो किसान उसको अपने खेतों में फेंकता है, जिससे किसान की फसल अच्छी होती है और केमिकल फ्री पैदावार होती है, जिससे कोई नुकसान किसान को या जो भी खाएगा उससे नहीं होता है। तो दोस्तों ये देखिए, ये आप कुछ देख रहे हैं, एक गड्ढा सा बना हुआ है, और इस गड्ढे में जो जानवरों का गोबर है वो देखिए फेंका गया है, आप देख रहे होंगे, ये देखिए, ये
काफ़ी बड़ा सा गड्ढा है जिसमें ये गोबर जो है फेंका गया है। तो इसको जिस गड्ढे में गोबर फेंका जाता है उसको घूर कहते हैं गांव में। घूर मतलब वहाँ पे जो पशुओं के गोबर और उन पशु जहाँ रहते हैं वहाँ वो जो भी कचरा इकट्ठा होता है गोबर के साथ उसको ला के यहाँ पर फेंक दिया जाता है। और फिर कुछ दिनों के बाद ये गोबर सड़ के कंपोस्ट खाद का रूप ले लेता है और यही खाद किसान अपने खेतों में खाद के रूप में अपने फसलों के उर्वरक के रूप में इस्तेमाल करता है, जिससे जो फसल होती है वो बहुत ही अच्छी होती है, उसकी पैदावार बहुत अच्छी होती है और उसको खाने से जो है नुकसान भी नहीं होता है। जिसको हम और आप कंपोस्ट खाद या और भी कई नाम से जानते हैं जिनको हम लोग, तो इस खाद का उपयोग जो है किसान अपने खेतों में करके खाद के लिए भी आत्मनिर्भर हो जाता है। मतलब खाद के लिए भी अपने पशुओं से ही वो खाद भी बना लेता है, जिससे बाहर से उन्हें खाद के लिए पैसा खर्च नहीं करना पड़ता। तो दोस्तों आज का वीडियो आपने देखा और उसको देख के आपको लगा भी होगा कि आज के वीडियो का मेरा जो उद्देश्य, ये वीडियो बनाने का जो मेरा उद्देश्य था वो ये था कि हर गांव में हर किसान जो है पशु तो रखता ही है, गाय भैंस दूध बनाने के लिए, और गायों का जो मतलब पशुओं का जो बाई प्रोडक्ट है उनका गोबर, उनका क्या क्या इस्तेमाल है, उनका क्या क्या गोबर का क्या इस्तेमाल है, गोबर का क्या महत्व है, यही मेरा उद्देश्य था आज के वीडियो में बताने के लिए। तो आशा करता हूँ कि हम ये बताने में समर्थ हुए हैं कि पशुओं के गोबर का क्या महत्व है गांव में किसान की या गांव के लोगों की ज़िंदगी में। दोस्तों आशा करूँगा कि आप लोग वीडियो को अंत तक देखेंगे, हमारे चैनल को प्यार देंगे, अपने कमेंट्स अपने सुझाव देंगे ताकि हम भविष्य में और भी अच्छे चैनल आपको दिखा सकें। बहुत 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 धन्यवाद।